तो सरिस्का में संशय के हालात बने हुए हैं, एक बार फिर तनाव बढ़ गया है और सरिस्का प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। सरिस्का के कर्मचारी ग्रामीणों को अरेस्ट करने में लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ अधिकारियों में भी आपसी खींचतान शुरू हो गई है। नाकामी के बाद अब उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर राजनीतिक दबाव के चलते जिला कलेक्टर अलवर और पुलिस अधीक्षक अलवर पर कार्रवाई करने के लिए सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। सरिस्का में उमरी गांव के ग्रामीणों द्वारा वापस लौटने के बाद सरिस्का में विवाद बढ़ गया है। सरिस्का प्रशासन ने ग्रामीणों को हटाने के लिए कई बार प्रयास कर लिए हैं, लेकिन प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरिस्का प्रशासन ने उमरी गांव में फोर्स तैनात कर दी है। उमरी के ग्रामीणों को सरिस्का प्रशासन अरेस्ट भी कर चुका है, जबकि ग्रामीण सरिस्का प्रशासन पर अपहरण करने के आरोप लगाते हैं। उमरी गांव निवासी जयराम ने बताया कि उसके बेटे विक्रम का अपहरण सरिस्का प्रशासन ने कर लिया है और उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। उसके बेटे को सरिस्का वालों से खतरा है, क्योंकि उसके पास सरिस्का प्रशासन के खिलाफ वो दस्तावेज हैं जिसमें 12 साल के लड़के को मुआवजा दे दिया गया। जयराम से मेरा नाम, मेरा छोरा को केस लगा दियो झूठो और वो जेल में पटक दियो, वाकी जमानत करा बाया जब बड़ा छोरा उठाड़ से उठा लेगा कचहरी ने मैसू मेरे मारपीट कर गया और छोरा की मारपीट कर ले गया। वाकुल जगह अभी तक पता नहीं छोरा का खाएं, वाह आज तक पता नहीं है मेरा विक्रम का खाएं है। विक्रम खूब जंगलात कान से पूछ ली, खूब यहाँ पूछ ली, चार मेरे पूछ ली, कोई पता नहीं है मेरे लिए आज तक भी। मेरा बेटा खूँ मार दिया इनने, खूँ जिंदा है कोई पता नहीं। श्याम की यहाँ पेशी पर आया जा, मेरे भाई एक तो रमजियो एक चेतराम वो केस कर रखे हो, जो वो पेशी पर आया जा, वो पेशी कर जा रही है, जो जिनको भी गैला में से उठा लिया जंगलात कान ने, बस अड्डा पर से उठाया जी, बसाड़ा भी देखा जी, उनने मारपीट करी है, उनको भी ले गया, उनका भी कोई पता नहीं खा है खा नहीं है अभी तक। बिल्कुल ये प्रताड़ित कर रहा है इनकी, इन लोगों को पहले मतलब मुआवजा भी नहीं दियो, इसलिए मुआवजा ना दियो तो ये घर क्यों छोड़ेगा, ये उनका ही वो पुराना घर है उन पर रह रहा है। अब इनको बिल्कुल प्रताड़ित करके, क्योंकि वो वार्ता करें तो पोल सामने आए, इनसे पैसे मांगे गए भाई हमको पैसे देने, पैसे दिए ना आए तो उनको उनने जो विस्थापन में जो राशि वो ना दी, तो वजह से वो तो उनका घर लौटना है। तो अब इनके साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है कि कोई को महसूस नहीं हो, ताना सही रवैयो मनमाज यहीं से पकड़ के अनाप शनाप केस लगा के इनको भगा भाग का चक्कर में नहीं आए, वार्ता करें सरकार हो या प्रशासन या वन प्रशासन। उम्र इनमें अब करीब 21-22 परिवार का तो कागज मैंने देखा है जो बिल्कुल दिन मुआवजा के योग्य, जिनको मुआवजा नहीं दिया गया। जमीन पर संग्राम छिड़ा हो और सियासत इससे दूरी रखे ऐसा कहां होता है। मामले पर जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह बढ़ाना से बात करने की कोशिश की गई तो बोलने से उन्होंने मना कर दिया, कैमरा हटा दिया। बता दें कि मंत्री जी के दबाव का ही नतीजा है कि जिला प्रशासन इन ग्रामीणों को नहीं हटा पा रहा है। सरिस्का में जो उमरी गांव के जो लोग हैं उनको कल सरिस्का में लोग आए थे, उनका कहना है कि हमको परेशान किया जा रहा है, लोग बाहर निकलते हैं तो उनको एक बार बात सुन तो लो, इसको बंद जाए समस्या है। हाँ मैं बात तो सुनो साहब। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोले गए और जब ये झूठ गले की फांस बनने लगे तो मामले को दबाने की कोशिश होने लगी। दावों के पूरा न होने के बाद नाराज ग्रामीणों ने उमरी में घर वापसी कर ली है और वापस लौटने से इनकार कर दिया है। लोगों के हठ और व्यवस्था के लोच ने स्थिति ऐसी बना दी है कि सरिस्का प्रशासन ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अलवर से कई बार पत्र लिखकर 200 पुलिस कर्मियों और पुलिस उपाधीक्षक स्तर का मॉनिटरिंग अधिकारी और मजिस्ट्रेट नियुक्त कर जबरन ग्रामीणों को हटाने की मांग कर दी है, लेकिन जिला प्रशासन और अधीक्षक द्वारा अभी तक पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। परेशान होकर सरिस्का प्रशासन ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पुलिस महानिदेशक सहित उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें सरिस्का के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के चलते अलवर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहयोग नहीं कर रहे, यानी अब माथापच्ची तंत्र के अंदर ही शुरू हो चुकी है। प्रशासन की कमजोरी को ग्रामीण भी भांप चुके हैं। सरिस्का में 2 दिसंबर को ग्रामीणों की भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत करने की तैयारी है, यानी दो दो हाथ करने की तैयारी हो रही है, जबकि प्रशासन जमीनी गणित साधने में ही मशगूल है। अभी ऐसे कई प्रकरण सामने आए, मुख्य रूप से वो प्रकरण 2 तरह के हैं। एक तो इस तरह के कि जो ग्रामीण वहाँ से चले गए लेकिन फिर से आकर उन्होंने वहाँ पर डेरा डाल लिया और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो वहीं के रहने वाले हैं,
दूसरे जो प्रकरण हैं वो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 2008 में जब पैकेज मिला, घोषित हुआ, तो कुछ ऐसे परिवार जो विस्थापित हो गए और जो योग्य थे उन्हें वो पैकेज नहीं दिया गया। तो मैं एक बार इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारी रेवेन्यू एजेंसी से वापस जांच करवा लेंगे हम लोग, और अगर उनका क्लेम सही पाया जाता है तो हमें पैकेज देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि पैकेज लेके जो योग्य हैं वो पैकेज लेके और अदरवाइज भी वहाँ से लोगों को विस्थापित करना है, हम निरंतर समझाइश कर रहे हैं। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना जिला प्रशासन इतना कमजोर कैसे हो गया। ग्रामीण आगे की रणनीति बना रहे तो व्यवस्था खामियों को ही पाटने में लगी है। ऐसे में क्या होगा सरिस्का के उमरी गांव का, ये पूरी तरह संशय में ही है। अलवर से फर्स्ट इंडिया के लिए राजेंद्र की रिपोर्ट।